आधा भी हूँ। हाथी। हाथी। हाँ एक्चुअली। मतलब ये मटेरियलिस्टिक गर्ल। कहाँ लिया हाथी? मटेरियल गर्ल। केरला में है। हाँ। सच अभी भी है? वाह। So how often do you visit? I've not gone for a year, but otherwise very often. There's one sad elephant in Kerala. But you know, I also had an elephant. Yeah, मैं first time सुन रहा हूँ किसी का हाथी। There's a sad elephant in Kerala. Kerala. In the temple that one. आधा कौन? ये कहाँ से आया? आधा। Because he's not making money. Oh sorry, I missed. Sorry. OTT and chill. Karan ke saath. We have all settled here. Radio Siri par. This is OTT and chill with me, Karan aur. सबसे पहले तो दोनों से यही पूछना चाहता हूं, आप दोनों ने टोपी क्यों पहनी? व्हाट इज द रीजन? ताकि हमको कोई पहना ना सके टोपी। बेस्ट वे टू आपको कोई टोपी ना पहना सके, आपने ऑलरेडी टोपी खुद पहन ली। आपने कहां से ली? आपकी अलग लग रही है, कुछ एनबीए वाली लग रही है। मैं तो अमेरिका से लाया था भाई, जो क्या कहते हैं वो, जो कौन सा म्यूजियम है, एयरक्राफ्ट का म्यूजियम है ना सिएटल में, म्यूजियम ऑफ एविएशन। तभी इनके बाल उड़े हुए, प्लेन के ऊपर बैठे हुए। मैं ऐसे खिड़की से बाहर ऐसे निकला। और आपने कहा था? मेरे घर पे भूल गया था, कोई आया था। सच में? हाँ, तो मैंने फिर वो पहन के आ गया। तब तक लेने नहीं आया वो? अभी तो आया नहीं, उसको टोपी जब इम्पोर्टेंट लगी। नहीं, अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये टोपी और बाल कनेक्टेड है, वो पूरा भीग टोपी ने बाल। ऐसा नहीं कि बाल नीचे ऊपर टोपी है, टोपी उतरेगी तो साथ उतरेगा। नहीं, लेकिन विकास सर, मैं आपके चक्कर में नारियल पानी मैंने कैंसिल करा दिया था सब्सक्रिप्शन मेरा, आफ्टर वाचिंग द फर्स्ट एपिसोड जब आया था फर्स्ट सीजन। ओ एक्चुअली ये नारियल नारियल वालों की कोई यूनियन तो नहीं है ना? पर आई थिंक वो आफ्टर यू, कितने लोगों ने आपसे बोला है कि आपकी वजह से लोग नारियल पानी अब घर पे डिलीवर। पर मैंने आपको बताया ना क्लियरली इस ट्रेलर में कि नारियल पानी में जीरा पानी था, तो जीरा पानी तो आप पीते हो ना? नहीं नहीं, बट ये जो मतलब ये इतना डर बैठ गया था ना, मैं अच्छा पड़ोस कोई भी कर सकता है, नेवर नो। एक्चुअली मेरे को भी अब घर के बाहर नारियल रख के जाते हैं ना कोई, तो मेरे को तो नहीं नहीं अंदर रखो। नहीं, जब भी आपकी वाइफ आपके आपको नारियल पानी देती है तब आप ये सोचते हो। लेकिन ये कहां से क्रिएट किया, कौन सी सोसाइटी? ये आप मर्डर करने के आइडियाज कैसे सोच लेते हैं? कौन सी सोसाइटी में देखा था आपने? कुछ कहीं से इंस्पिरेशन आई थी ये देखने? नहीं नहीं, एक्चुअली क्रिएटर ऑफ द शो चैताली, वो बहुत सालों पहले मेरे पास आई एक दिन एक कहानी का ऐसा आइडिया लेके कि एक ऐसी कहानी है जिसमें ना कहीं तो एक मर्डर हुआ है और हमको पता है मर्डर किसने किया है, पर एक बेवकूफ सा आदमी है जो हमें पता है उसने मर्डर नहीं किया है, और सारे सवाल के जवाब ऐसे दे रहा है कि धीरे 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 वो ही कल्प्रिट बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। कैसी रहेगी ऐसी कहानी? बहुत अच्छा आइडिया है। उसके बाद वो भूल गई, वो ऐसे भूल जाती है अच्छे अच्छे आइडियाज। अच्छा। देख वो थॉट मेरे दिमाग में चलता है तो कहीं और इंस्पिरेशन नहीं आता। वन लाइन जो थॉट था वो चैताली ने दिया था और मैं छोड़ ही नहीं पाया। फिर ऐसा बैठे हुए आप मुझे वैसे भी लिखने का शौक है, बोला चलो लिखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। वो लिखते 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 बन गया कि एक सोसाइटी में मर्डर हुआ, वो मर्डर हमने दिखाया कैसे हुआ, कैसी चालाकी से किसी ने किया, पर एक भाई साहब रहते हैं सोसाइटी में सोनू करके, जिनका उस मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है, पर कैसे वो धीरे 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 अपने आप को वो मर्डर में ड्रैग कर देते हैं। तो एक्चुअली उस टाइम पे जैसे लिखते रहे तो हमको पता चला कि हम एक रिवर्स हुडनेट लिख रहे हैं। अच्छा। कि हमने आपको बता दिया सब कुछ शुरू में। हाँ, वही तो। हाँ, अभी सिर्फ जो लोग शो में है एक्ट कर रहे हैं उनको नहीं पता मर्डर, पर ऑडियंस को पता है। अब ऑडियंस मजे ले रही है कि ये सोसाइटी डिस्कवर कैसे करेगी कि ये मर्डर था। तो पर जब हम सीजन वन जब खत्म हुआ और बहुत अप्रिसिएशन मिला लोगों ने देखा, तो बहुत हमको मेल्स ये क्वेश्चन आने लगे फ्रॉम द डाई हार्ड फैन सेइंग वी डोंट अग्री विद द मर्डर, वी डोंट अग्री। बोला अरे भाई हम लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं ना। तो बोले नो, वी डोंट अग्री, यू प्लीज हैव टू टेल अस। वो दैट एक्चुअली ओपन्ड अस अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर अस इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू डू। सो द फन ऑफ राइटिंग सीजन टू इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द ऑडियंस। अच्छा अच्छा। You know, for this, because मैं जब आपकी इसमें एक्टिंग देखता हूँ ना, ऐसा जिम कैरी का एक इंटरव्यू था, उन्होंने बोला था कि डम एंड डमर वॉज इज डिफिकल्ट वाली फिल्म थी एक्टिंग करने के लिए। वॉज दिस डिफिकल्ट फॉर यू टू जस्ट डम इट डाउन सो मच? एक्चुअली अकेला डम होता तो इतना ईजी नहीं होता, लेकिन इसके अंदर ना कई लेयर्स और भी हैं जो दिखती नहीं है। वो इज स्मार्ट ऑल्सो समटाइम्स। वो जो केक वाला सीक्वेंस है जो आपने
एपिसोड में फर्स्ट सीजन में जहाँ पे वो केक ऑर्डर करता है फिर बचता है छिपता है, आई थिंक इज वेरी स्मार्ट. वरना वो और भी वो टैक्सी वाला जैसे जो टैक्सी वाला पीछे भागता है तो वो टैक्सी वालों के पीछे आके बोल देता है कि नहीं ये देखो कैसे काली पीली टैक्सी वालों को हटाना चाहता है ये, तो कैसे ब्लेम गेम शुड बी वेरी स्मार्ट. सो ही इज नॉट डम. आई थिंक उसकी सर्वाइवल थोड़ा इनोसेंट इतना वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग है उसकी इनोसेंस के साथ साथ. तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है. बट ही इज ऑल्सो सेल्समैन ऑफ द ईयर तो इतना डम नहीं है. तो वो I agree. I mean, for me, I think he's very intelligent. Yeah. No, for me, Sonu is an unknown quantity in the whole thing. You're never sure Sonu का क्या चल रहा है. And I think for me, that is like मुझे कई लोग जैसे विकास सर बोल रहे थे, कई लोग मैं जाता हूँ इधर उधर मुझे बोलते हैं सोनू ही है ना मर्डरर. अरे बोला तो है भाई, किसी और ने मर्डर किया है. Even I कहाँ से मर्डरर है? No, even I think so हो सकता है Sonu. Like I think the strange thing is कि you don't know what's going on in his head. Yeah. But the amazing thing is to know whether he knows what's going on in his head. Yeah. Yeah. Or he's just... So that is something for which we hope that the character really lasts and lasts, because we can really continue telling stories around the character. And now that all the other characters are also emerging, we can take any character and tell the story. Now whether it's Tambe, whether it's DG, the madam who just walked in, everybody can have a tremendous backstory. Yeah. So that's how... That's become the fun of writing. अदा हंसी तो फंसी के बाद first time बात हुई आपकी 10 साल बाद कि चलो अभी ऐसा ये वाला project करना है, या बीच में कोई आप दोनों के बीच में बातचीत होती रहती थी? मैंने बड़े message डालती है मेरे I should have been in touch. No, I'm very bad at being in touch with people. No, but she used to in between paint shoes or something at home. I sent you once she that. She used to send me pictures of painted shoes. Why is she sending pictures of painted shoes? And what painted? Ha, one kya? Yeah, one weird thing I painted on a shoe. I sent. So I think that's the only in touch that. But maybe that helped to have him think. Let's have her as a murderer in this. Huh? आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि प्रेशर आप पर भी होगा बिकॉज सीजन वन में तो ये दोनों ने कमाल कर दिया, सीजन टू में थोड़ा नहीं नहीं प्रेशर इन तीनों ये तीन ले सकते हैं. रोल इन्होंने निभाया बहुत अच्छा है, लिखा बहुत ही अच्छा है और निभाया उससे भी अच्छा है. तो बहुत ही एक फ्रेशनेस के साथ आती है और काफी शेड्स हैं. बल्कि मैं चाहता था कि मैं ही रोल करूँ ये वाला, पर मैं ऑलरेडी सोनू का कैरेक्टर कर रहा था, वरना मैं ऑडिशन देता इसके लिए साड़ी पहन के. और फिर इनको ही ले लेते बिकॉज़ साड़ी में ये ज्यादा सेक्सी लगते हैं मुझसे ऑब्वियसली. नहीं इन्होंने बहुत अच्छा किया है, मैं उतना शायद नहीं अच्छा कर पाता. क्या मर्डर. नहीं लेकिन आप दोनों को सीजन वन के थोड़े रेफरेंस में जाना पड़ा व्हेन यू गाइस स्टार्टेड शूटिंग. हां ऑब्वियसली आई मीन इट्स अ प्रोग्रेशन. सीजन वन में जो दुनिया है you know which Vikas sir has created was established. इस बार आई थिंक what was exciting for me was जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी भी तो मैंने विकास सर को सबसे पहले ये क्या हो रहा है, बिकॉज यू नो यू कम एज एन एक्टर जब आपने एक कैरेक्टर किया यू हैव अ सर्टन फ्रेम यू नो सर्टन पाथ टू द कैरेक्टर. तो स्क्रिप्ट में तो सब कुछ मतलब अनप्रडिक्टेबल हो रहा था. तो एंड देन यू नो आई टोल्ड हिम ही जस्ट सेड ट्रस्ट मी टाइप यू नो एंड इट्स ट्रू वाइल देन वाइल डूइंग इट आई यू नो आई एक्चुअली when you trust the director and you leap into it, you realize actually it was you know I was being myopic. Oh sorry, no pun intended. I was being foolish by you know trying to keep the color within the lines, and it was such a learning exercise for me to have him you know push me, and it's so much fun to color outside of the lines as well. So I mean for me season 2 is definitely like it's a huge jump ahead from season 1. So आपने थोड़ा देखा बिकॉज दैट इनोसेंस कैप्चर करना अगेन वॉज डिफिकल्ट फॉर यू सीजन 2 में. हाँ जी बस हो गया. डिड यू रेफर अगेन सीजन 1 आपने देखा? हाँ बिकॉज क्या होता है ना इसके अंदर आप जो कैरेक्टर थोड़ी ऐसी समझदारी वाली बात कर रहा हूँ ऐसा मुझे लगता है. जब आप सीजन कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तब आपका पर्सपेक्टिव होता है, जैसे डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव होता है कि वो कह देते हैं कि आपको इस तरह से निभाना है, आप उसी दुनिया में जीते हो. पर जब सीजन 2 या उसका सीक्वल कुछ बनता है तो आपके ऑडियंस का पर्सपेक्टिव भी मिक्स हो जाता है. वो अब वो क्या सोचते हैं, आप उसके बारे में सुन चुके हैं, आप कॉम्प्लीमेंट्स ले चुके हैं, आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, तो वो मिक्स होने के बाद आप भी थोड़े थोड़े ऑडियंस बन जाते हैं अपने उस कैरेक्टर के जो आपने प्ले किया कि आप देख भी चुके हैं. तो उसके साथ वापस वहां जाना
आप रिएक्शन सोचने लग जाते हैं कि इसका रिएक्शन ये तो नहीं होगा, तो रिएक्शन मिक्स हो जाता है आप हो, तो वो उसको सैनिटी को खींचने में थोड़ा टाइम लगता है। बट यू नो ये बिकॉज ओटीटी में भी इतने सारे सीजन बनते हैं, तो एक सर्वे चल रहा था कोई तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक्चुअली ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ा था, 10 में से 5-6 शो के ही सीजन 2 लोगों को पसंद आते, वरना सब थोड़ा बोलते नहीं यार सीजन 1 बेटर था, आप सब रेडी हैं फॉर द कंपैरिजन क्रिटिसिज्म? आई थिंक थैंक्स टू विकास सर, ना सिर्फ हम रेडी हैं, हम ब्रिंग इट ऑन में हैं, एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। जैसा सर ने कहा, रणवीर सर ने कहा कि इन्होंने फील किया कि सीजन 2 ऊपर है सीजन 1 से, मैं कहूंगा कि सीजन 1 बहुत अच्छा है पर सीजन 2 उससे कई गुना अच्छा। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं भी पार्ट 2, तो ऐसा लगता है कि यार ये बोल ही रहा होगा, बट आई थिंक ऐसा मैं सोचता हूँ और मैं फॉर श्योर सोचता हूँ, तो मुझे लगता है ऑडियंस को भी ऐसा सोचना चाहिए। अदा आपके साथ कुछ एनी स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है? मेरे घर के बाहर 2 कुत्ते मैं रखती हूँ फुल टाइम, जिनको रेबीज है, तो अगर कोई ऐसे आएगा घंटी मारने तो वो काट लेगा। ओह माय गॉड, ऐसी कोई नहीं आ सकता है कभी देखो उनको बुरा लग रहा है, बट देन हाँ उनके रिस्क पे, इनके जवाब से कभी भी आ जाओ मेरे घर पे, इनके जवाब से रेबीज वाले कुत्ते काट रहे हैं उसे खुश है, वो भी उनको जिनको काट रहे हैं उनको पसंद है। लेकिन बट आपको कुछ मिल रहा है प्रिविलेज? एनी प्रिविलेज? नहीं नहीं, नॉट जस्ट इन जनरल बीइंग एन एक्टर, कोई स्पेशल? हाँ मुझे ये लोग कितने अच्छे कूल लोगों के साथ, आपके साथ इंटरव्यू करने का प्रिविलेज मिल रहा है, इतने कूल लोगों के साथ बैठने का प्रिविलेज मिल रहा है, इतना कूल शो का पार्ट होने का प्रिविलेज मिल रहा है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई फील आई एम वेरी लकी टू गेट टू डू ऑल दिस। विकास सर, आप कितने लोग आते ऑडिशन देने के लिए? अरे हमारा तो बहुत बुरा है यार, एयरपोर्ट पे कोई मिलेगा सर 1 सेल्फी, पहले सेल्फी लिया सर हु आर यू, उनको पता नहीं, उनको पता है वेगली कोई है, वेगली पता है कि कोई तो है, पहले फोटो ले लो सर। आप क्यों कह रहे हो? आप तो बहुत पॉपुलर हो, मेरे साथ अभी भी पॉपुलर हो, मेरे साथ अभी भी होता है ये, आप क्यों कह रहे हो ऐसा? अरे मेरे साथ, वी वर इन गोवा, ये केरला स्टोरी के पहले है, बट दिस मैन केम अप टू मी एंड दिस इज 3 इयर्स 2.5 इयर्स बैक, ही केम अप टू मी एंड ही सेड मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपकी एक्टिंग, आप क्या एक्टिंग करते हो, क्या परफॉर्मेंस करते हो आप, आपकी एक्टिंग मतलब मैं एक फोटो लूं प्लीज प्लीज। आई वाज लाइक या ओके ठीक है तो ले लो, ही टुक अ फोटो, एक सेल्फी, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, अच्छा जानवी कपूर की बहन है, ओके स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आपने क्या परफॉर्मेंस किया, आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एंड दिस इज बिफोर खुशी कपूर डेब्यूट आई थिंक, राइट बिफोर, सो स्टूडेंट ऑफ द, ही सेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आपकी एक्टिंग मतलब कमाल की थी, बेस्ट एक्ट्रेस आप ही हो, सो आई सेड थैंक यू, देन दैट अदर मैन सर आप ही हो ना, एंड हिज आईज हैड सो मच होप कि जैसे फोटो लिया, पहले फोटो लिया ऐसा करके सर कॉमेडी विद कपिल ना, कि आप आए थे उस पे, आप जो भी हो पर आप आए थे ना एक बारी, बस उसके लिए फोटो होगा। अच्छा वाह, आप बहुत पॉपुलर हो सर, बट कोई ये नहीं बोलता कास्ट करा दो सर, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टर हूँ मैं, एस्पायरिंग एक्टर, वो भी होता है, पर हम लोग सामने बहुत कम ही होते हैं ना, और यू हैव टू थोड़ा अतरंगिया कुछ लगना पड़ता है, वो ऐसा नॉर्मल पंजाबी लुक के आदमी कैसे रजिस्टर करके याद रखो, तो नहीं होता इतना। वो तो हम अभी भी कह रहे हैं सर, कास्ट करा दो, वो तो जान पहचान वाले नहीं छोड़ते होंगे। यू नो आप दोनों के इंस्टाग्राम, अदा योर्स एंड रणवीर सर, आप दोनों के इंस्टाग्राम बायो आर वेरी इंटरेस्टिंग, आई जस्ट वांट टू रीड आउट बिफोर यू टेल अस। अरे यार ये ऐसे मत करो, सोशल मीडिया की बात सोशल मीडिया पे रहने दो। व्हाट इज द रीजन? आई विल स्टार्ट विद यू, एक्टर क्रो गोट, एक्टर क्रो गोट, माय इंस्टाग्राम माय रूल्स, व्हाट डू अंडरस्टैंड, बट योर इंस्टाग्राम इज फॉर पीपल राइट? सुनाते थे भाई, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुमको जो बनना है तुम बन सकते हो, तो तुमने चूज किया कौवा और बकरी? हाँ मुझे कौवा आजकल देख वो, तो आई वांटेड टू बी अ थर्ड एंड माय इंस्टाग्राम नो वन कैन से क्यों डाला ये, क्यों पहना ये, क्यों सोचा ये, क्यों बोला। मूवीज में आप बोल सकते हो ऐसे कि ये डायलॉग है ये, या कोई अगर आप इवेंट पे जा रहे हो तो वो लोग नहीं नहीं ये मत पहनो, ये बड़ी हीरोइन ने नहीं पहना, आप अलाउड नहीं है पहनना, या वैसे कुछ बोल सकते हैं, पर मेरे इंस्टाग्राम पे कोई कुछ नहीं बोल सकता ना, मैं कुछ भी, तो आई लाइक रोबो, माय गॉड हाउ इंस्पायरिंग, नो वन कैन से लवली, योर्स इज आल्सो सैड बट ट्रू,
खिड़की खुली थी सैड ये तुमको अभी भी लग रहा है वो सही है पिछले साल की कुछ बात है उसमें आई अग्री विद रणवीर आई एम विद हिम एक्चुअली थैंक यू सो मच रियली नो भाई क्यों आप लास्टली आपका देखो कुछ बायो नहीं है इंस्टा पर लेकिन द वीडियोस व्हिच यू पोस्ट ये आप बीच बीच में हाईवे पे कहीं खड़े हो जाते हैं गन्ने बेच रहे हैं सब्जी बेच रहे हैं ये कहां से आ रहा है अरे मेरे को लोग सिंपैथी मैंने बंद कर दी मेरे को लोग सिंपैथी देने लगे कि भाई कभी कुछ चाहिए हो तो बताना मेरे दोस्तों के फोन आए सब ठीक तो है सब अच्छा तो है ना तो उन्होंने यही सोचते कि मैं एक्चुअली अब छलनिया पे भुट्टे बेच रहा हूँ कहीं सब अच्छा चल सब ठीक तो था ऐसा बाप रे ऐसा भी समझ के लो ठीक है बट आप ऐसे रैंडम कुछ पसंद आता था शुरू हो जाते कैमरा लेकर कैमरा नहीं मतलब तो मेरे को अच्छा लगता है ये सब मैं यही हूँ ऐसा नहीं कुछ मैं बन रहा हूँ I was very young to matlab real mein not in I was very matlab my father was a film producer to hamare ghar pe aana jana rehta tha so I think first time I saw IS Johar and Sanjeev Kumar when I was very little wow so I think that was my first big wow. yeah bade lucky hain lucky to aap Sunil bhai main Mithun Chakravarti sir ko dekh ke hua acha मैं को फिल्म थी मैं डब्बवली में गया बच्चे साहब का मैं बहुत फैन हूँ उनको देख के तो ये जो पहला वाला कूलर आता है मैं स्क्रीन पे गया तो उनकी एंट्री हुई एकदम पिक्चर की शुरुआत में तो मैं खड़ा जैसे घुसा ही मैं थिएटर में पिक्चर शुरू हो चुकी थी अभी उनकी एंट्री का सीन चल रहा था जैसी एंट्री हुई उनकी ऐसा उन्होंने किया बस बट ये तो पर्दे की बात थी रियल में फर्स्ट टाइम किसको देखते हो रियल में मैंने जो पहले एक्टर देखे थे वो प्रदीप कुमार अच्छा और क्रिकेटर जो सब इतने सबके मिमिक्री करते हैं इसके लिए सचिन तेंदुलकर अच्छा आई लव इनको देख के बड़ा अच्छा लगा आदा फर्स्ट टाइम स्टार स्ट्रक फर्स्ट टाइम आई डोंट रिमेंबर बट लास्ट टाइम आई कैन टेल यू लास्ट नाइट मैं रानी मुखर्जी से मिली And it was an award thing and she was so nice to me publicly in front of everyone. I thought she was so sweet and so nice and so kind. I was actually starstruck because I said she's Rani Mukherjee and for her to be so kind and so nice. Yeah. I've loved her as an actress always. But jab wo itni sweet thi aur itni amazing thi in person, main actually fan ban gayi. Like main pigal gayi aur and I was like, wow. The actress who I thought was such an amazing actress is such an she's so nice and so so sweet. Like I was tongue tied. I didn't know what to even say back. Wow. So sweet. Raji, yeah. Well, actually, he's someone I'm starstruck each time I meet him, and I meet him quite often now, which is Mr. Bachchan. Mm. But the first time I met him, I was flying to Chandigarh. So flight pe ghuse Mr. Bachchan. Can you imagine? Abhi flight pe. तो ऐसा वो dream होता है कि हो सकता है कि मेरे साथ आके बैठे. आके बैठ गए तो ऐसे तो पसीने छूट रहे हैं कि पर अभी पता है 2.5 घंटे की फ्लाइट है तो किसी तरह कुछ तो गट्स गैदर कर लोगे वो आके बैठे तो वो फोन पे थे तो मैं वेट करा खरा मैं बोला कोई चिंता नहीं फोन तो ऑफ करना ही पड़ेगा उड़ेंगे तो बात करेंगे तो फोन उन्होंने ऑफ किया फोन ऑफ किया मैं गट्स गैदर कर रहा हूँ सोच रहा फिर हाँ ये टॉपिक से शुरू करता हूँ इधर मुड़ा वो चादर लेके सोए गए अब पूरा टाइम फ्लाइट चल रहा है और साइड से ना इतने से दिख रहे थे थोड़े से तो मैं ऐसे कि देख जितने मिस्टर बच्चन दिख रहे हैं उतने तो देख लो कम से कम तो ऐसे करके देखता रहा फ्लाइट लैंड की तो अब बचा उतने से वो 2 घंटे से बचे 5 मिनट फ्लाइट लैंड की और उनका उन्होंने अपनी चादर टाई फोन ऑन किया फोन बज गया फिर वो फोन पे थे उठ के चले गए
तो मैं वो ही देख के बस दो फिल्में कर या बट दैट स्टोरी इज एंड देन आई डोंट नो क्यों उनको ये इंसिडेंट नरेट किया उनको हां हां ये भी उसके बाद एक बारी मैं उनको एक वो अनिल अंबानी के घर पे कुछ तो फंक्शन था तो वहां पे वो भी थे तो मैं सोचा और उधर 25 लोग ही बुलाए गए थे अच्छा तो हम लोग उधर थे और फिर मिस्टर बच्चन ने बोला आज तो ये उसके बाद हुआ कि आज तो उनसे किसी तरह बात करनी करनी मैं सोच रहा हूँ किस तरह और एक हाथ आया कंधे पे तो मैं पीछे मुड़ा देखा तो मैं ऐसे मुड़ के देखा बोला विकास आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा यू नो हाउ ही इज सो हम्बल एंड नाइस ही इज टॉकिंग टू मी अब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं और मेरा नर्वसनेस से पसीना आना शुरू हुआ और चश्मा फ्रॉस्ट होना शुरू हुआ अब धीरे 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 ना वो दिख नहीं रहे हैं और हाथ नहीं छोड़ रहे हैं तो मैं चश्मा निकालूं हाथ छुड़वाऊं देखूं पूरी कॉन्वर्सेशन हुई और वो चश्मे के फ्रॉस्टेड चश्मे के थ्रू ही वो सब कुछ बता बता के चले गए मैं फिर चश्मा सर आए थे सर आके चले गए विकास सर इतने बड़े फैन है बच्चन साहब के ऑफकोर्स उन्होंने उनको डायरेक्ट भी किया काम भी किया बहुत सारा उनके डायलॉग बच्चन साहब को नहीं याद है उन लोग बैठे हुए थे तो बच्चन साहब भी याद कर रहे थे विकास सर को सारे डायलॉग एक एक डायलॉग बच्चन साहब की हर एक फिल्म का जबानी याद है वो तो मोस्ट ऑफ देम इवन आई रिमेंबर ऐसा मतलब उनकी फिल्में तो मैंने ऐसी बैक टू बैक आई सीन मतलब रिपीटेड आपका इंस्टाग्राम पर ये इतना वायरल होता है रील बिकॉज़ ही इज टॉकिंग अबाउट बच्चन साहब एंड रानी मुखर्जी 10 का दम वाला व्हेन आप बच्चन साहब बने दैट इज द मोस्ट आपके टाइमलाइन पे आता है वो सारे रील्स इंस्टाग्राम पे अच्छा आते और कोई देखते हैं अपने रील जो वायरल होते हैं जो आपके टाइमलाइन पे आ जाते हैं कई बार ऑफ कोर्स लोग टैग कर देते हैं अच्छा अच्छा नेक्स्ट फर्स्ट आप अपने पैसे से आपको ऐसा लगा कि यार बहुत पैसे कमा लिए अच्छा कमा लिया अभी तक नहीं लगा बट हां गो ऑन फर्स्ट मटेरियलिस्टिक थिंग अपने लिए क्या ली खुश करने के क्या इतने पैसे हो गए ये ले सकता आई थिंक आईफोन या व्हिच वन 4 5 6 पहला वाला सुधीर भाई आपके लिए फर्स्ट मटेरियलिस्टिक थिंग खुद को खुश करने के लिए महंगी चीज जो ली डिजर्व करता हूँ महंगी कभी कार ले ली या कभी घड़ी ले ली या बस ज्यादा नहीं अच्छा घर ले लिया हाथी in the temple that oh the god bhi kahan se oh no uski song making oh sorry I missed sorry no, sorry ye idea kahan se aaya bhai where do you think of ki hathi lena hai to kahan se mujhe hathi pasand hai like elephants wo kehte na hathi pal rakha hai mujhe bhi bahut sare paise aaye to छोटी बड़ी चीज आती रहती है बट सबसे ज्यादा जो याद है कि जब हमारा एमबीए खत्म हुआ था तो सिटी बैंक ने आके हम सब स्टूडेंट्स को जिनकी जॉब लगी 5,000 का लोडेड क्रेडिट कार्ड दिया था तो प्री लोडेड था 5,000 वो 5,000 जो लोडेड था उससे हम 7 जो दोस्त थे हम सब ने डिसाइड किया कि हम बॉम्बे में रहते 2 साल पर खाते सिर्फ वो रास्ते पे या ओडीपी पे थे तो बोला कि हम 7 रेस्टोरेंट चूज करेंगे और उन 7 रेस्टोरेंट पे एक जना बाकी सबको खाने खिलाएगा लिमिट लेकिन 5,000 है फिर हम गए कोबेज चाइना गार्डन ऐसा चुन चुन के हम वो गए पर तो एक जगह जहाँ पहुंचे विच वाज चाइना गार्डन उधर बिल आ गया 9,000 रुपए फिर वो दो लोगों ने अपने कार्ड है तो हमारा एक रेस्टोरेंट कम हो गया बट दैट एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन बॉम्बे फॉर सो मेनी इयर्स स्टडिंग एंड देन गेटिंग दैट कार्ड एंड देन गोइंग टू दोज अप मार्केट रेस्टोरेंट्स टू ईट ओनली वर्थ 5,000 वाज
पर उसके वो 5,000 है, पर बाकी पैसे नहीं है, तो आने जाने का अलग प्रॉब्लम है कि ट्रेन लेंगे, फिर बस लेंगे, फिर चाइना गार्डन जाएंगे खाने के लिए. बट गुड यूज आई हैव टू से ऑफ द गुड यूज ऑफ द सो दैट स्लिप दैट यूज्ड टू कम ऑन द क्रेडिट कार्ड, वी ऑल स्टिल हैव दोस स्लिप्स, वी यूज्ड टू राइट अ नोट फॉर ईच अदर बिहाइंड. यू स्टिल इन टच विद, सॉरी मैं इंटरव्यू बन गया, आर यू स्टिल इन टच विद देम? बिकॉज़ ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी, इन फैक्ट वी जस्ट वेंट फॉर अ हॉलिडे टुगेदर, दैट्स सो नाइस, सो कूल. बिकॉज़ फ्रेंड्स की बात की, फर्स्ट फटर्निटी में कौन सा फ्रेंड आप किसको कॉल करते हैं टाइम पास के लिए, क्या सो टाइम पास बकर करते हैं? सोहेल खान, ही इज बीन माय बेस्ट फ्रेंड फॉर इयर्स एंड विल बी, एंड ही इज द मोस्ट लविंग फन पर्सन एंड ही इज माय गो टू फ्रेंड. आई मीन ऑफ कोर्स लड़ना नहीं है, वो पहले की बात हो रही थी. फर्स्ट बोला था उन्होंने, अभी कोई सेंटी डायलॉग आएगा. सो दैट नहीं ठीक है. एंड सुनील एंड आई लेफ्ट अलोन can spend 50 hours, 60 hours, 100 hours. I can vouch for this. We don't, both of us don't need anybody. इनका दोनों का खुसर पुसर चलता रहता है non-stop. तो like एक दिन मैं गोवा गया हुआ था लिखने के लिए, तो मैंने ऐसी बात कर रहे थे, तो बोला कि क्या करो, बोला याद आ रही है, बोला चलो फिर डिनर करते आज. तो ये तो आदमी ऐसे ही बोलता है ना, किसको पता कि 2 घंटे के बाद आदमी बाहर खड़ा होगा गेट पे, घंटी बजाता हुआ और अंदर आ जाएगा. तो आ गए भाई साहब शाम को गोवा. फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आ गए, उसके बाद जा नहीं रहे हैं भाई साहब. तो चौथे दिन जब घर आए, बोला सुनील यू आर लीविंग टुडे इवनिंग, आई विल बुक योर फ्लाइट, तो मैं लिखने के लिए गया उधर. बट वी कैन बी लेफ्ट अलोन एंड दैट्स इट. अदर फॉर यू, टाइम पास करने के लिए उसको कॉल करते हैं क्रो एंड गोट. मेरे घर के बाहर एक कोयल है, उसके साथ थोड़ा टाइम पास करते हैं. वो जुगलबंदी हम लोग करते हैं, बिकॉज़ आई डू लाइक देन इट गोस. आपकी लाइफ में इंसान हैं कोई कि नहीं? इतने नहीं हैं, हैं थोड़े बहुत जो such a privilege to be one of the few human beings in your life. One of the few humans in my life, yes. Few. So you do time pass with Koyal? Yes. Okay. आप सर किसको फोन करते हैं टाइम पास के लिए? नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है. मैं काश सर को फोन कर लेता हूँ. मैं एक्टिव फोन टाइप हूँ नहीं ज्यादा, अगर करता हूँ तो विकास सर होते हैं, ज्यादा लोग नहीं है फोन पे बात करते. मैंने कहा था सेंटी आएगा, विकास सर उसकी कॉल इतने ज्यादा है बाहर लाइन लगती है, टोकन लेके लोग आते हैं टाइम लेने के लिए भाई साहब का. फोन टाइप नहीं हूं ज्यादा ना, वो तो इवन आई एम नॉट एक्चुअली. आमने सामने हो तो ज्यादा अच्छा है. तो फिर रखते क्यों नहीं हो जब बात फोन करते हो? यही तो बेटर है. सर आप भी फर्स्ट टाइम पास कॉल? विनय इज देयर, रजत के पास तो फोन ही नहीं है, बट सो यू नो, सो दैट्स नॉट नो फोन, सिर्फ ईमेल. सो विनय इज वन, देन आई हैव अ फ्यू अदर नॉन इंडस्ट्री फ्रेंड्स, दो तीन जिनके साथ में. और मेरा ज्यादा लाइक सुनील सर ना, मैं ज्यादा बात नहीं फोन पे, मेरे से इरिटेशन होती है लंबी बात करके. आई वुड के रील्स भेज दी, जोक भेज दिया, यू नो, ये मेरा ज्यादा वो होता है कि फन ऑफ. या अगर मिल रहे हैं तो बेस्ट है ही है वो तो, यू नो. लास्टली बिफोर आई रैप अप, फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर अ टायरिंग डे और नॉर्मल डे, घर जाके क्या करते हो? फर्स्ट थिंग व्हेन आई गो बैक, शावर. यू हैव एनी फेवरेट स्पॉट ऑफ योर हाउस? लास्ट टाइम आई गो टू द फोन. नहीं, मैंने कहा ना नहाता हूं जाके यार, उसमें तो एक ही स्पॉट बचा ना, मैं बिस्तर पे थोड़ी नहाऊंगा. हां सर, देख रहे हैं उसको. क्या जस्ट बिकॉज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, आप तो लंबी बात करोगे. क्या डिस्कस कर रहे थे? अरे उधर आप इंटरव्यू लेने आए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं इनसे सवाल. जस्ट बिकॉज़ इन दोनों से सवाल आप नहीं पूछ रहे, इनसे इन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशन चल रहा है अपना, वो कंफ्यूजन हम लोग किधर कैप्चर कर रहे हैं. जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड, सनफ्लावर सोसाइटी मीटिंग में ऐसे ही होता है, बोलते रहता है चेयर में, बाकी सब अंदर अंदर अपना खुशबू. करेक्ट करेक्ट. ये तो क्या, तो आप क्या फूड डालने के लिए बैठे हो? फूड नहीं, मैं देखो राष्ट्र लेके जो 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 दिख रहा है वो बोल रहा है. आप लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, सच बोलो. आप लेफ्ट आउट, उसे क्या लगा कि सवाल उधर चल रहा है? हां यहां चल रहा है, ये अकेला बैठा हूं क्या कर रहा है? अबे आप बता दो, फर्स्ट थिंग कर दिया. बेटा सुनील ब्रो, नवीन को बुलाओ, नवीन को जाल को बुलाओ. नवीन देख भाई, इसकी बेचारे की भी सुन लो, इसका शो है. फर्स्ट थिंग आप क्या करते हैं घर जाकर?
टायरिंग डे वही करते हैं जो सब करते हैं घर जाके पहले बाथरूम वगैरह जाते हैं हाथ धोते मुंह धोते फिर कहते हैं बहुत थक गया फिर भाई दिन दिन पे डिपेंड करता था जाकर तो थके हारे आए हैं तो खा पी के सो जाएंगे अगर टाइम है तो कुछ टीवी पे देख लिया कुछ गाने सुन लिए अगर तो तैयार होके चले गए दिन दिन पे डिपेंड करता तो ऐसी चीज फर्स्ट चीज तो पहले हाथ ही धोता हूँ जूते उतार के स्वच्छ निकाल के सच इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को तो आपने सुना नहीं मेरे को क्या बोला मैंने कहा मैं वापस जाके सबसे पहले नहाता हूँ कहते ऐसा क्या कोई तो स्पॉट होगा जहाँ आप घर पे जाते मैंने कहा मैं नहाता हूँ एक ही स्पॉट है मैं बिस्तर पे नहीं नहा सकता बहुत लोगों से पूछा ये तो सब बोलते पहले हम लोग उनका एक कंफर्ट जोन है कहीं सोफा बैठ गए या बिस्तर में बैठ गए कि दो मिनट पहले मेरा कंफर्ट स्पॉट एक ही है जो जिसका इन्होंने आपको बता दिया विच इज आराम से बैठता हूँ अगर थके नहीं आए हम लोग घर के अंदर तो मैं आराम क्यों करूं नहीं इस क्वेश्चन में जब भी थक के आ रहा हूं ये जाके खिड़की में स्मोक करता है पहले नहीं मैं नहीं करता लॉन्ग डे टायरिंग वर्क के बाद टायरिंग का बोला आपने सर बोला सॉरी मैं मिस किया अच्छा टायरिंग डे का आंसर ये है फिर मेरे को सिंपैथी चाहिए थोड़ी सी अगर टायरिंग है तो आसपास के आपके लिए आता हाय कितना काम करके आया है थक गया पानी पी ले बस ये चाहिए मुझे कोई प्यार प्यार चाहिए There are small tree trunks like this size का because somebody said people come then where they'll sit so उनके लिए है जगह तीन है नहीं तो जमीन पे बैठ जाओ या लेटिए या चढ़िए हाँ I don't like too many people coming home maybe better I mean I was all का space है I was completely fascinated by your life it's nice my house is nice you should come but and there's that bark is very comfortable अच्छा ऐसे सोफे पे बैठ बैठ के यू विल गेट दिस थिंग उस पे बैठ के यू विल बी वेरी नाइस और थोड़ा बैग भी हां अच्छा रहता है सर आप क्या करते हैं घर जाके मैं घर जाके मैं कुछ डिसाइड नहीं करता हूं मेरे घर पे दो कुत्ते हैं वो इतने एक्साइट होते हैं जब मैं घर पहुंचता हूँ चाहे मैं दो मिनट के लिए बाहर गया हूँ चाहे दो महीने के लिए कि जो डिसाइड करते हैं वो दो डिसाइड करते हैं कि वो कूदना है जमीन पे बैठना है लेटना है बॉल के साथ खेलना है अब चाहे आप रात को 8 बजे आओ 10 बजे आओ सुबह 4 बजे आओ जब भी आप आओ Those two will decide the next 10 minutes of yours. So nice. उन 10 मिनट के बाद आप क्या करते हैं? ये बात बात करेंगे। कौन डिसाइड करता है? Strict question. First March को Z5 पर do catch Sunflower Season 2. This is OTT and chill with me. Karan, I'll see you again in next episode. Bye bye. इतनी जल्दी खत्म हो गया? हाँ वो इशारा कर रही है थोड़ा time. तो मजा आ रहा था. Radio City, Radio City, Radio City, Radio City, Rag Rag Me Dode City.